ये तीन एग्जाम्पल हैं जिसको आपको एक एक करके सोचना है। पहला एग्जाम्पल, जब आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो कार्बोकेटायन तो यहाँ बनेगा, क्या ये कहीं कन्वर्ट होगा, शिफ्टिंग होगी 1-2 शिफ्टिंग टाइप? नहीं। तो अगली स्टेप में अब हमें हीटिंग की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकालना है या यहां से हाइड्रोजन निकालना है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा ये, और एक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, नीचे भी एक मिथाइल, मिथाइल है तो एच एच यहां से भी हट सकता है। तो फिर हमारे पास या तो ये बनेगा या ये बनेगा या फिर ये वाली एल्कीन बनेगी। तो नंबर वन देखते ही पता चल रहा है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? दो, बहुत सारे हैं, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ सबसे कम होंगे 2 और 1, 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि ये भाई मेजर है सेकंड थर्ड नंबर की बिल्डिंग के साथ। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट दिखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलेंगे? 2 या 3? 3, बिल्कुल सही कहा। यहाँ कार्बोकेटायन है, तो उसके बाद आपको एक तो ये एल्कीन देखने को मिलेगी जो कि ट्रांस है, एक ये एल्कीन देखने को मिलेगी जो सिस है, और माइनर प्रोडक्ट में आपको ये वाली एल्कीन देखने को मिलेगी। यहां देखिए, यहां कार्बोकेटायन है या नहीं है? ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, ब्रेट्स रूल, लेकिन तब जब 8 से कम कार्बन हो। लेकिन यहां कितने हैं? वन, इस ब्रिज पूरे में, रिंग में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, नहीं तो मैं बना ही नहीं पाता। ठीक है, तो अब एल्कीन बनाने की बारी आ रही है। एक एल्कीन ये बनेगी जो कि मेरे को लग रहा है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है। और दूसरी एल्कीन आपको जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी, जिसमें 2, 2, 4 और 1, 5। तो मेजर कौन सा होगा? ये, इन दोनों में ये काफी हाई परसेंटेज में रहेंगे, क्योंकि इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर ये दोनों रहेंगे, लेकिन ट्रांस वाली ज्यादा होती है, तो फिर ये सीनियर मैनेजर मेजर और ये थोड़ी सी कम, उस तरह से रहेगा। यहाँ कार्बोकेटायन है जो कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RS। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको ये देखने को मिलेगा, सही है? और अगर इससे सोचने की कोशिश कर रहे हो तो एक साथ, यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां तो बनने से रहा, ये कार्बोकेटायन वहीं जाएगा और यही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आप सोचो ये वाला प्रोडक्ट बन जाए तो ऐसी बेवकूफी मत करना, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं है, ठीक है ना? तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। चारों एग्जाम्पल बहुत इजी है, इसको लिखें। देखो, बहुत आसान लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा मैं कि यहां पर कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाएगा, क्यों? ब्रेट्स रूल, क्योंकि ये रिंग 6 कार्बन की है, तो नॉट स्टेबल। तो जो चीज बन ही नहीं सकती तो ये रिएक्शन आगे होगी नहीं, तो नो नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शन है भी नहीं यहाँ, तो खत्म बात। यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, बिल्कुल, बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में है। इस एच को निकालने के लिए मुझे हीटिंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ ये एल्कीन देखने को मिलेगी, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। यहाँ ये कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, जिससे आपको दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक
ये वाली एल्किन जो कि काफी स्टेबल है इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से होगी, और दूसरी एक और एल्किन मिलेगी ये वाली एल्किन जो कि इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से होगी। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, इससे पहले आपको एक ही देखने को मिल रहा था। यहां कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको, यहां पर भी दो। श्योर, ये कार्बोकेटायन बनेगा जो कि आपको ये एल्कीन बनाएगा, और एक ये वाली एल्कीन, नहीं ये दोनों तो एक ही हो गई, तो फिर ये नहीं बनेगी, ये बनेगी। तो यहां ओवरऑल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर भी टू प्रोडक्ट। यहां आपको CH3 है, इसका कोई काम नहीं है, ये एल्कीन मिलेगी। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक या दो, जोर से बोलिए, दो। एक ये मिलेगा और एक ये देखने को मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है, बिल्कुल एनेंशियोमर्स है। आप देखिए, ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं, और जब ये एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं तो हमें दो प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। क्या आप बता सकते हैं, मैंने आपको अप्रोच भी बताया, पहले ये चीज मिल गया एनाइशोमर्स है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या मिलेगा आपको, लीवो। लिख सकते हैं इसको, लिखें इसको। तो ओवरऑल यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रासायनिक मिक्सचर। देखिए, जब आप इस तरह का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आपका सबसे पहला हाथ OH को हटाओ और कार्बोकेटायन लाओ, आपका एक ही नारा होना चाहिए। फिर देख लो 1 डिग्री 2 डिग्री में चेंज हो रहा है, हाँ, तो इसको बोलेंगे आप 1-2 शिफ्टिंग। अब भी आपको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी तक कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है, और कार्बोकेटायन यहाँ आया, अभी भी आपको हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपका काम चल जाएगा, और मिथाइल ग्रुप अब यहां आ जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटायन आपका यहां आएगा। तो मेजर प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है इस जगह, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जगह, तो ये आपका मेजर होगा, नहीं तो माइनर तो आपके शुरू से ही बनने शुरू हो जाएंगे। इस कार्बोकेटायन से भी बनेगा, इस कार्बोकेटायन से भी बनेगा, उससे भी जितने बन सकते होंगे सब बनेंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट में मेरा मेन टास्क रहता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। यहां आपको एक बार तो हीटिंग की जरूरत इस जगह पड़ेगी, सही है। अगर यहां 5 डिग्री दे दिया जाए या कम दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर OH अटैच कर दोगे, खत्म बात। OH कहां से मिलेगा, H2O से, H2O से OH मिलेगा, H निकल जाएगा वापस जैसे आया था वैसे। अभी इसको देखते हैं, यहां कोई बेंजीन रिंग नहीं है इधर की तरफ, यहां है, तो ये कार्बोकेटायन हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, 1-2 शिफ्टिंग का मतलब आसपास वाले कार्बन में जाना, तो ये आपके पास ये 1-2 शिफ्टिंग हो गई। क्या अभी भी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी आपको, हाँ बिल्कुल हाँ, 3 डिग्री पे आ गया। क्या अभी आपको देखने को मिलेगी, हाँ 3 डिग्री से ये 2 डिग्री पे जा रहा है। वैसे कोई ज्यादा ज्यादा जरूरत है तो सही, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, एक बार शिफ्टिंग होगी, भले एल्केन एल्केन कुछ भी बने, और रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, भले वो 2 डिग्री ही क्यों ना हो। मुझसे पूछा जाए इसमें कितनी 1-2 शिफ्टिंग हुई है, तो एक बार तो यहाँ हुई 1-2 शिफ्टिंग, एक बार और हो गई, एक बार और हो गई 1-2 शिफ्टिंग, और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है। श्योर, और तो कुछ चांसेस है नहीं, इधर तो एल्फ, वैसे भी हाइड्रोजन नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन, यहां आपको हीटिंग की जरूरत पड़ेगी।
आप कहेंगे सर हम तो यहीं से बनाते तब भी यही प्रोडक्ट बनता, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऐसे जाके आया है? ऐसे भी तो जा सकता है, ये हाइड्रोजन निकला, एल्कीन यही बन रही है, मैंने इसका पता लगाया, मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो मुझे OH इस जगह देखने को मिला है, इसका मतलब शिफ्टिंग हुई है। तो कितनी बार 1 2 शिफ्टिंग हुई है इसमें देखने ऊपर, 1 2 3, 3 बार है तो है, 2 बार इसका आंसर नहीं होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट है, यहां देखते हैं। ये कार्बोकेटायन आपको यहां देखने को मिलेगा, मिल भी रहा है, 1 2 शिफ्टिंग हो रही है, कार्बोकेटायन यहां आया और यहां पर CH3 चला गया, एक एच ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या बनेगी एल्कीन? यानी देखा जाए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 12 में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे आपसे, उल्टा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जनरेट सेम प्रोडक्ट ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड एसिड। यहां क्या बनेगा? यहां कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 1 2 शिफ्टिंग देके इस तरह से बना लेगा, और ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 2 शिफ्टिंग यहां पर भी देखने को तो मिलेगी आपको, एक बार ही सही मिलेगी। यहां क्या होगा? पहले कार्बोकेटायन यहां बनेगा, फिर एक बार 1 2 शिफ्टिंग हो गई, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, एच जाएगा, कितनी बार हो गई 1 2 शिफ्टिंग? 2 बार। अब नहीं होगी, कितनी एल्कीन बनेगी? 2 या 1? एक ही है, क्योंकि ये यहाँ पर CH3 CH3 सेम है, तो इसकी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बनाए इसको, हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 15 में प्रोडक्ट बताना है एच प्लस के साथ, तो आपके पास सबसे पहला काम तो यही है, ये अल्कोहल एक ही नारा दे रहा है, तुम मुझे कार्बोकेटायन दो, मैं तुम्हें OH दूंगा, तो वो OH दे रहा है और कार्बोकेटायन ले रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप, 1 2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी आपको, ये 1 2 शिफ्टिंग हो गई। अगला स्टेप, क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं चेंज होगा? होगा, तो कौन सा चीज मूव करेगी? इथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग की टेंडेंसी मिथाइल ग्रुप से कई गुना ज्यादा होती है ना, तो ये बनेगा, तो ये यहां नहीं आएगा, ये यहां आएगा, और इसके बदले इसको क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन मिल जाने दो, और जब इसको कार्बोकेटायन मिलेगा तो वापस ये आपको एल्कीन देखने को मिलेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं है। मजा तो तब आता जब यहां पर ये होता, यहां होता और यहां होता, और फिर एक यहां रह जाता, तो आपको दो एल्कीन देखने को मिलती, सिस और ट्रांस, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत आ रही है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा था आपका। अब आपको दो एल्कीन देखने को मिलेगी, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है। तो यहां पर आपको ये फॉर्म ऐसे भी दिख सकती थी, अभी तो ये ट्रांस दिख रही है एक तरह से, और अब ये क्या दिखेगी? सिस। तो दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं वहां। यहां देखिए, ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन कौन सा है? कौन सा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है, 3 डिग्री? 3 डिग्री है। शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जाएगा तब भी 3 डिग्री रहेगा, और इसलिए ये एल्कीन बना सकता है या नहीं बना सकता? बना सकता है, अल्फा हाइड्रोजन 6 2
6 4 10 10 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत अच्छे। यहां देखिए कुल मिला के यहाँ कार्बोकेटायन है या नहीं है, शिफ्ट रीअरेंजमेंट करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट, कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, यह हाइड्रोजन इंतजार कर रहा है निकलने का, बस क्या चाहिए इसे, हीटिंग, और जैसे ही हीटिंग मिलेगी बेंजीन रिंग बना लेगा ये तो शिफ्ट करे बगैर ही बना लेगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन बना, हीटिंग हुई हल्का सा भी, बेंजीन बन गया। तो इन दोनों में सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा आपका सबसे पहला काम, फिर क्या होगा, कार्बोकेटायन शिफ्ट करेगा 2 डिग्री से 3 डिग्री, और यहां आ जाएगा, और यहां आने के बाद ये एल्कीन बन सकती है, बन सकती है, और कौन सी एल्कीन बन सकती है, ये भी बन सकती है, क्योंकि शिफ्ट हो चुका है यहां पर, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की एल्कीन देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 10 का हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 2 2 4 5, सही है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर कौन होगा, मेजर ये होगा, ये माइनर होगा, सही है। तो क्या इसमें मेजर और इसमें मेजर सेम आ रहा है, हाँ, तो 16 और 19 में सेम प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं आपको, पूछा जा सकता है। इधर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन विल फॉर्म, फिर एक साथ लिख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से, देखते ही पता चल रहा है डी, क्योंकि सब में ही दो में आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब आंसर डी होता है, फिर ऐसा न्यूटन ने कहा था, अब किसी के आगे अगर न्यूटन और आइंस्टीन लगा दो तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है स्टेटमेंट की। तो यहाँ कार्बोकेटायन, ये एल्कीन बनेगा ए के अंदर, तो आपका कार्बोकेटायन पहले कौन सा बनेगा, सौ साल बाद किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर मोदी जी लगा दोगे तो भी चल जाएगा काम, नहीं यार मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, अच्छे दिन अभी तक नहीं आए, ठीक है। तो यहां प्लस आया है, ठीक है, प्लस यहां आया है, तो एल्कीन यहां आ जाएगी, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, हाँ, बी के अंदर, OH यहां, तो प्लस यहां, और सीधा ये एल्कीन, और अगर दो आंसर आ गए तो आंसर डी तो जाना तय है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूंगा, सी को देखूंगा, CH2+, ये कार्बोकेटायन मूव करेगा, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड इधर आएगा, कार्बोकेटायन इधर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बस यही आएगा, और जब यहां आएगा तो अगला प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड CH2, और मेरे हिसाब से अगला बॉन्ड, सारी रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन है, यानी रेजोनेंस में एल्कीन का पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होंगे, यानी कि दोनों पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, कुछ भी समझिए आंसर डी है, ठीक है, लिखें इसको। हाँ, तो हम वापिस हमारे मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डाइस्टेरमर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ये एक अल्कोहल है, आप देखिए यहाँ कार्बोकेटायन देखने को मिला, मिला या नहीं मिला, अगर ये कार्बोकेटायन मिलेगा यहाँ पर तो क्या ये शिफ्ट करेगा, नहीं, लेकिन फर्क क्या हुआ, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल था, अब ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब ये इधर का भी एच ले सकता है, इधर का भी ले सकता है, तो इस तरह से आपको दो तरह की एल्कीन देखने को मिलेगी इसमें, बस हीटिंग चाहिए और हीटिंग दिया हुआ है उसने, तो यहाँ डाइस्टीरियोमर्स प्रोडक्ट मिल रहा है, सिस और ट्रांस एल्कीन एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। कहलाएंगे यहां पर, अब ये कार्बोकेटायन मिला है, ये एल्कीन बनेगी, अब इसका डाइस्टीरियोमर बन ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन, एक ही डबल बॉन्ड वाले, एक ही कार्बन पर, सेम ग्रुप है। इसके अंदर तो आपको ये कार्बोकेटायन है जो कि बाद में आपको ऐसी एल्किन देगा, कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर यहाँ कार्बोकेटायन है पीएच, लेकिन इस तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यही निकलेगा। तो कुल मिला के आपकी जो एल्किन बनेगी वो ये फिनाइल ग्रुप के साथ ऐसे मिलेगी। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है, ए। सिर्फ और सिर्फ ए आंसर आपको टिक करना है इसमें। कंपेयर रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, यानी कि किसमें इजीली ओएच निकल जाएगा, ये इस बात पे दिखेगा कि कार्बोकेटायन किसका स्टेबल है और प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। तो मैं अगर यहां पर आता हूं सबसे पहले, तो यहां 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो कि आंसर ए कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि अपने आप में ये एल्कीन बनाएगा, ठीक है। और ये एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और सारी जो भी हाइपर कंजुगेशन से बनने वाली नई एल्कीन है वो इक्विवेलेंट एल्कीन है, यानी अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो वही एल्कीन देखने को मिलेगी जो पहले थी। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो या इक्विवेलेंट हाइपर कंजुगेशन हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन या नॉर्मल रेजोनेंस से, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये मेरे लिए अभी तक सही है। और दूसरे, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड को देखते हैं। CH3CH+ CH3, तो मेरे पास इसमें जो एल्कीन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा नहीं, 3 ही है, तो किसकी रेट ज्यादा होगी, इसकी फिर इसकी और फिर इसकी। इसमें तो और भी कम अल्फा हाइड्रोजन है या है ही नहीं शायद एल्कीन बनने के बाद, सही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्किन ये होगी। इसके अंदर मुझे जो देखने को मिल रहा है, यानी ये सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। यहां कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा है, स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री है, और बनने वाली एल्किन जो बनेगी बी के अंदर वो आपको ये देखने को मिलेगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा है और रेजोनेंस भी है। तो ये ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस नहीं है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें उससे कम अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें सबसे कम आ रहे हैं, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट आपके पास, सबसे बढ़िया बात आ रही है कि यहां पर 3 डिग्री विद रेजोनेंस कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, कार्बोकेटायन बन रहा है 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां कार्बोकेटायन बन रहा है सिंगल अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले आपको ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा बन रहा है, कार्बोकेटायन में। सेकेंड थर्ड बराबर कैसे होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोडक्ट बराबर हो या नहीं हो, पहले तो ये देखोगे कार्बोकेटायन इसमें कौन सा है, 3 डिग्री, उसमें क्या है, 1 डिग्री। थर्ड में हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम आएगा, लेकिन कार्बोकेटायन जो पहली स्टेप है वो डिसाइड करेगी रेट, आपसे रेट पूछा जा रहा है और रेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, ठीक है। तो रेट जल्दी को बोलते हैं, यील्डिंग को नहीं बोल रहे हम। ठीक है, यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको रेजोनेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कम रेजोनेंस देखने को मिलेगा, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और डीबीसी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा है, कार्बोकेटायन है ही नहीं, स्टेबल ही नहीं है, सही है। एलाइल कार्बोकेटाइन वैसे ही हाईली अनस्टेबल है। तो मेरे हिसाब से यहां तो आंसर देखते ही आप टिक कर सकते हो, ये क्लियर है, लिखें इसको। हमारे पास 22 का 1 और 2 और हम कर रहे हैं जिसमें रेट आपको कंसीडर करनी है। तो क्या लग रहा है, क्या ये कार्बोकेटाइन बनाएगा क्या, नहीं, इसकी रेट क्या होगी, 0, ये तो देगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, 10। क्या ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, बहुत जल्दी बनाएगा, क्योंकि यहां पर एरोमेटिसिटी के साथ रेजोनेंस में देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर दूर बनेगा, तो किसकी रेट ज़्यादा होगी इन दोनों की। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कार्बोकेटाइन के साथ आपको रिएक्शन देखने की। अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपांशंस। तो ये हमारे लिए एक और पॉइंट हो गया कि रिंग एक्सपांशन है क्या, रिंग एक्सपांशन। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिंग एक्सपांशन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि 3 कार्बन की रिंग से ज्यादा 4 कार्बन की स्टेबल होती है, 4 से ज्यादा 5 की स्टेबल होती है, और 5 से ज्यादा आपको 6 की देखने को मिलेगी, लेकिन फिर 7 की उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सबको पकड़ में आ रहा है अच्छे से? तो 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 7, कोई डाउट? तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है। कुल मिला के समझने वाली बात ये है, बोलो यस। लेकिन मुझे अभी ये देखना है कि रिंग एक्सपांशन कैसा होगा। अगर सपोज कोई 4 कार्बन का है और यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, तो आप समझिए कि इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें काफी हद तक पाई बॉन्ड की जैसे कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि स्टेरिक अटेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या होगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा सिग्मा पाई की तरह ट्रीट करता हुआ यहां जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और इससे क्या होगा, इससे इसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इस कार्बन को नुकसान होगा, इस कार्बन को क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास 5 कार्बन की हो जाएगी, और जहां से ये अटैच होगा उसके पास वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बात सही तरीके बता रहा हूं आपको, अगर कार्बोकेटायन के बारे में थोड़ा सा भी चिंता है कि हम कैसे नंबरिंग करेंगे या कैसे हमारे लिए रहेगा, और हम पहले तो ये पास वाले कार्बन पे होना चाहिए, दूर इसके बाद ये चीज नहीं होगी, क्योंकि ये अल्फा बीटा पोजीशन पे ही रिंग एक्सपांशन होता है, अल्फा गामा पोजीशन पे नहीं होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये ऐसा होगा तो आप नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5 नंबरिंग कर दी आपने। इस पाई बॉन्ड को मूवमेंट कराना ज्यादा आसान है, पाई नहीं है, है तो सिग्मा। तो आप देखिए कि 5, और इसको नंबर दे दीजिए 1 डैश, तब आपका 1 डैश 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनेगा। तो रिंग ऐसे बना लीजिए, बहुत आसान है, 1 डैश 1, 2, 3, 4, 5। कार्बोकेटाइन किस पे आएगा, 1 पे, कार्बोकेटाइन किस पे आएगा, 1 पे, क्योंकि नुकसान इसी का हुआ है। 5 को तो कोई फायदा नहीं, फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, पहले एक के साथ था, अब एक 1 डैश के साथ हो रहा है, पहले 1 के साथ था, तो कार्बोकेटाइन इस जगह आएगा, आ जाने दो। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और बस यही हो गया। सही है, तो ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो बहुत आसानी है। फिर उसके बाद आपको मोस्ट स्टेबल एल्कीन देखने को मिलेगी, वो बना दीजिएगा, सो इजी। तब हम प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे जिसमें रिंग एक्सपांशन है। क्या रिंग एक्सपांशन को 1-2 शिफ्टिंग में काउंट करना चाहिए? हाँ, क्योंकि उसमें भी शिफ्टिंग तो हुई है। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्टिंग, तो उसमें ये भी काउंट होगा, लिखें ये। कुछ अच्छे और खतरनाक क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, एक के बाद एक आने वाले हैं। तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड में अगर आप CH2+ की बात करेंगे, यही बनेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहां, तो क्योंकि सीधा कार्बोकेटायन बनेगा 5 कार्बन वाला, और हीटिंग इफेक्ट का सीधा जोर आपको यही देखने को मिलेगा, तो आपको जो एल्कीन देखने को मिलेगी वो यहां मिलेगी, इजी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां थोड़ा सा नाटक होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास यहां कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले। अब आप नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करते ही आपको ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ये वाला शिफ्ट होगा, और ये जाएगा 1 डैश पे, किस पे जाएगा, 1 डैश पे। तो जब ये 1 डैश पे जाएगा, जाने दो, तो अब आपके पास 5 कार्बन की चेंज हो जाएगी। तो 1 डैश पे जाती, 1 डैश पे 2 आपको ऐसे दिखेंगे, लेकिन कार्बोकेटाइन कहाँ दिखेगा आपको, 1 पे, ये 1 डैश, फिर ये 4, 3, 2 ऐसे रहेगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ दिखेगा, 1 पे। क्या 1-2 शिफ्टिंग अभी भी होगी? हाँ, क्योंकि अभी ये क्या है, 2 डिग्री है, यहां पर जाएगा 3 डिग्री, तो अब आपको कार्बोकेटाइन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, 1-2 शिफ्टिंग हो गई एक बार, और बनने वाली एल्कीन आपको फाइनली कैसी दिखेगी, ये देखने को मिलेगी आपको। क्लियर करें इसको, क्या ये देखने को मिल रही है आपको?
मैं फिर एक बार समझा रहा हूं, कार्बोकेटायन बनेगा वन डैश पर, ये वन डैश है, तो जब ये चीज फोर वाला वहां जुड़ेगा तो फोर और वन डैश आपस में जुड़ जाएंगे, वन डैश पे दो मिथाइल ग्रुप अभी भी देखने को मिलेंगे, और साथ में वन पर कार्बोकेटायन दिखेगा जो कि बगल वाला है। अब वन पर आपको कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा, ये वन है, तो वन से हाइड्रोजन उधर शिफ्ट, कार्बोकेटायन उधर शिफ्ट होगा, और उस तरफ से मिथाइल ग्रुप इस तरफ शिफ्ट होगा, और उसके बाद बस बचा ही क्या, उसके बाद ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यहाँ हीटिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि बहुत आसान है। ये कार्बोकेटायन, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, कार्बोकेटायन यहाँ पर आएगा, और जहाँ कार्बोकेटायन आएगा वहीं मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, और छह कार्बन का ये आपको दिखेगा, और जहां कार्बोकेटायन है वहीं मिथाइल है, सही है, क्योंकि ये मेरे लिए वन है, ये वन डैश है, ये टू थ्री फोर फाइव, तो वन पे ही मिथाइल, वन पे ही कार्बोकेटायन, बोलो यस और नो। अब कोई शिफ्टिंग नहीं होगी देखने के लिए, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो जिससे आपको जो एल्कीन बनेगी वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, सही है। यहां पर सिंपल सा है, यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, साइक्लोहेक्सीन, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा शिफ्ट होगा, साइक्लोहेक्सीन देखने को मिलेगी, और कुछ बन भी नहीं रहा है। इस तरफ सोचते हैं, ये खतरनाक क्वेश्चन है हमारा, यहां तक समझ में आ गया आपको, पकड़ में आ गया कैसे अपन पकड़ते हैं क्वेश्चन, कैसे अपन सोचते हैं। ये थोड़ा खराब है, लेकिन आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये कार्बोकेटायन है, क्या ये रिंग का एक्सपांशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। होगा, पांच वाली छह में बन जाएगी, क्योंकि बगल वाली पांच की है, और उसके सिर्फ अल्फा पोजीशन पर ही कार्बोकेटायन है रिंग के, बीटा पे होता तो नहीं होता, सही है। तो इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और आपका कार्बोकेटायन कहाँ आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो आपको ये जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ आप ऐसे बनाओगे तो बाईसाइक्लो टाइप कंपाउंड देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो जैसे ही मिलेगा तो ये अभी पांच कार्बन की, ये भी कितने हो जाएगी, छह, तो मेरा जो कंपाउंड आएगा वो अभी बनाओ मत, आप सिर्फ इसको शिफ्ट कर दो, और आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, स्पायरो में कन्वर्ट हो जाएगी ये, जो कि सॉरी स्पायरो बाईसाइक्लो में चेंज हो जाएगी, और कार्बोकेटाइन कहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा टच होगा इस जगह, कार्बोकेटाइन बनेगा, बनेगा इसी जगह, बनेगा इस जगह, यानी ये ब्रिज पॉइंट ही है, तो कोई भी एक ब्रिज पॉइंट पे लगा दो, भले वो नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। और अब आपके पास एल्कीन इधर बनाना फायदा है या इधर बनाना फायदा है, जिधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि ये वाली एल्कीन बनेगी आपके, क्या ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन स्टेबल है, स्टेबल है, यदि मेन चेन में, बड़ी चेन में आठ से ज्यादा कार्बन हो, वो है यहाँ, दस है यहाँ, तो ये चीज क्लियर है। अब इसको देखते हैं, ये उससे भी बढ़िया, कितना इजी है, देखो यहां थोड़ा सा गलती हो रही है, मुझे जो देना था OH यहां लगाना था, ठीक है, अब आएगा सही आनंद, नहीं तो दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन यहां, स्पायरो मैं चाहता हूं वो बाईसाइक्लो में चेंज हो, रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटाइन यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड, कार्बोकेटाइन यहां आया और ये यहां आया, फिर क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन इस मिडिल पॉइंट पे आएगा और ये बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, सही है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा इससे, ये यहां और ये मिड पॉइंट यहां जुड़ के आ रहा है, और कार्बोकेटायन यहां आएगा, ये उठ के यहां आएगा, ये बॉन्ड उधर जाएगा, वन टू शिफ्टिंग फिर एक बार हो गई। अब क्या होगा, उस तरह की एल्कीन बनने को देखने को मिलेगी जो ज्यादा स्टेबल है, यानी ये वाला कार्बोकेटायन इस तरफ ये एल्कीन बनाएगा, तो कुल मिला के
ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। सो इजी, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो ये कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये और ये सेम ही तो है दो पे। बोलो यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लिखो इसको। कुछ अच्छे एग्जांपल्स पे हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे को वापस पुराना वाला ही देखने को मिल रहा है, एच प्लस विद हीटिंग। कैसे देखते हैं? देखिए, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर? ये कार्बोकेटायन बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? पांच, ये कितने कार्बन की? चार, जो कि पांच कार्बन में चेंज होना चाहिए। तो अब अगर आपको बॉन्ड शिफ्ट करना है तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, समझना मेरी बात, तो ये वाला हमारे पास किस तरह से चेंजेज हो रहा है? ये वाला हमारे लिए एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल मैं साथ हूं आपके, तो हमारे पास ये वाली जो अभी रिंग कितने की है, चार की, वो किस में हो जाएगी? पांच में कन्वर्ट। बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी अभी एक के साथ तो है, तो ये स्पायरो बनेगा या बाईसाइक्लो बनेगा? स्पायरो। तो कैसा देखने को मिलेगा आपको? चार कार्बन और ये स्पायरो, आप पांच कार्बन की चेन देखने को मिलेगी आपको, ऐसी कुछ। और इससे प्लस चार्ज कहाँ आएगा आपके? यहां। अब इस कार्बन के बाजू वाले में कार्बन आ गया, तो अब ये एक्सपांशन करेगा इस तरफ, तो ये चार वाली कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? अभी पांच में। और अब क्या बन जाएगा, साइक्लो या बाईसाइक्लो? बाईसाइक्लो। तो फाइनली आपको बाईसाइक्लो देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये प्लस चार्ज अब कहाँ आ जाएगा? इस ब्रिज हेड कार्बन पे, किसी भी ब्रिज हेड पे लगा दो, वो तो आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली जो एल्कीन आपको फिर देखने को मिलेगी, वो आपको इस तरह की देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। बोलो यस और नो। लेकिन चेक कर लो कि क्या ये आठ कार्बन से ज्यादा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बिल्कुल हाँ, आठ या आठ से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ देख लो, मेरे पास ये पांच कार्बन की है, प्लस आया, सही है, यही आएगा। क्या यहां आएगा? नहीं, यहां प्लस आएगा, एक कार्बन और ज्यादा आएगा। क्या ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट होना चाहेगा? हाँ, तो इसके लिए ये हम 1-2 शिफ्टिंग लिख सकते हैं यहां पर। फिर क्या अब ये रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? हाँ, ये वाला बॉन्ड पूरी तरह शिफ्ट होके यहां जाएगा। जब ये यहां जाएगा तब ये 6 कार्बन की हो जाएगी, और प्लस चार्ज पता है कहाँ आएगा? जिस कार्बन पे आएगा उसके पास वाले पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्लस आएगा, उसके पास वाले पे क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बार और 1-2 शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। अब प्लस यहां आएगा, 1-2 शिफ्टिंग, क्योंकि 2 डिग्री से कौन ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। उसके बाद अब एल्कीन बन जाएगा, ये वाली एल्कीन आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। बोलो यस और नो। इस तरफ देखिए, यहां कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा, मिलेगा। क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है यहां पर? हाँ, दो फायदे हैं, एक ये यहां पर जाते ही 3 डिग्री हो जाएगा, दूसरा रेजोनेंस भी मिलेगा आपको। तो ये हमारे पास यहां आ रहा है, यहां, यहां से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो ये है, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हुआ तो प्लस इधर आ गया और यहां है। या अपन रिंग एक्सपांशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है जितना अगर हम रिंग एक्सपांशन कर देते हैं। तो जैसे रिंग एक्सपांशन करा हमने, तो हमारे पास अब ये कितने कार्बन की हो गई? 6, जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड इस तरफ गया, तो यहां पर प्लस चार्ज आया, जहां पे प्लस चार्ज है उसके बाजू में, और फिर बाजू में आपको पाई बॉन्ड दिखेगा अल्टरनेट पोजीशन में। और अब ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा? बेंजीन में, सही है। इस तरफ देखिए, यहां पर कार्बोकेटायन है तो अच्छा है, कौन मना कर रहा है? तो क्या ये रेजोनेंस हो सकता है? हाँ, यहां पर पाई बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा, एल्कीन, एल्कीन बनेगा तो एसपी हाइब्रिडाइज आएगा, जो कि अनस्टेबल है साइकिल में,
तो पहले एक काम करो, रेजोनेंस करा के देख लो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी। मेरे हिसाब से आप भी समझ गए होंगे, ये होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस है। अगर 3 डिग्री रेजोनेंस के साथ आ जाए तो ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला पाई यहां शिफ्ट हो जाएगा और प्लस यहां आएगा। और अब आपके पास बेंजीन आपको देखने को मिलेगी, नो डाउट, लेकिन कुछ इस तरह के आपके ग्रुप होंगे। हो सकता है इसका ऑप्शन आपको ये भी दे दिया जाए, ऐसा कुछ। ऐसा तो कभी बेंजीन बनती नहीं है, 5 वैलेंसी होती है क्या कार्बन के? नहीं, आंसर तो यही होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा दे दिया जाए, वो भी गलत है। क्या ऐसा दे दिया जाए, वो भी गलत है। वही सही है, अल्फा बीटा पोजीशंस। समझ गए आप? तो क्या ये पांचों समझ में आ गए? लिखें जल्दी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका आंसर क्या होगा सोच के देखिएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। एच प्लस और 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, एल्कीन या एल्कोहली? कितना सही पकड़ा आपने, एल्कोहली। तो ये प्लस आपके पास आया, सही है। अब क्या होगा, क्या यहां रिंग एक्सपांशन होगा? हाँ। तो अब क्या होगा, ये रिंग एक्सपांशन होके ऐसा हो जाएगा, ये जो 3 कार्बन की, ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा, 4 में हो जाएगा, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिससे ये वाला बॉन्ड टूटा है, ध्यान से सुनना, ये वहां गया है, ये इस तरफ आया है, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इस पे, यानी यहां कार्बन पे दिखेगा आपको प्लस चार्ज, खत्म। बोलो यस और नो। अब ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि लॉस तो इस कार्बन को हुआ है ना, इसने तो क्या करा, इसके साथ था, आप उसके साथ है। तो अगला स्टेप क्या देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा और प्लस चार्ज यहां देखने को मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा, देखते हैं। तो ये चीज ऐसे चलेगी, लास्ट में आपको कार्बोकेटायन कहां देखने को मिलेगा, यहां, सही है। एक माइनर प्रोडक्ट तो यहां पर भी बन जाएगा, लेकिन क्या ये 4 कार्बन की 5 कार्बन में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन के पास वाले पे कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर क्या करेगा, पॉजिटिव है। तो ये फाइनली तो ये 5 कार्बन की होनी चाहिए, तो ये अभी मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि 3D का देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 कार्बन तो हो ही गए, 4 5 नहीं, 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बन जाएगी ये जो अभी है, और बीच में क्या रहेगा, मिथाइल, और कार्बोकेटायन भी इसी पे रहेगा, और कुछ ही नहीं कर सकते, जो कि फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, H2O से ऑक्सीजन लेगा, OH लेगा और H निकाल देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि मैं बना रहा हूं। सो इजी, हाँ या ना, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, और सब प्रोडक्ट में यहां पर OH लगा सकते हो। लिखें इसको,